अचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वप्रथमं जगत्कर्तारं करुणावतारं भगवन्तं महाप्रभुं श्री श्री जगन्नाथं प्रणिपत्य जगज्जननीं सर्वसौभाग्य आरोग्य ऐश्वर्य सौन्दर्य प्रदायिनीं महालक्ष्मीं नमस्कृत्य अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अतिथीनां सर्वेषां विदुषां सज्जनानां तथा सर्वासां नारी तु नारायणी इति धिया उपस्थितानां देवीनां विनम्र वंदनम् अभिनंदनम् अभिवादनम् च करोमि। मित्रों, आज के हमारे मुख्य आकर्षण भारतवर्ष के शिक्षा संसार के भाग्य विधाता तथा उड़ीसा के गर्व गौरव और स्वाभिमान के विग्रहवान प्रतीक श्री जगन्नाथ और उड़ीसा की गौरवमयी परंपरा को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे भारत सरकार के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माननीय मंत्री परमादरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आज सभा मंच पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के प्रगति का नव्य नंदी घोष श्री जयंत षडंगी महोदय जी, अत्यंत लोकप्रिय विधायक पुरुषोत्तम धाम के ब्रह्मगिरी के माननीय श्री ललितेंदु विद्याधर महापात्र जी, अत्यंत लोकप्रिय जननायक आईटीडीसी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी, सभा के अध्यक्ष तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के महामान्य कुलपति, मेरे बंधु प्रोफेसर श्रीनिवास बरकड़ी जी, आज के सारस्वत अतिथि तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्रीयुक्त प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी, आज के अन्यतम सारस्वत अतिथि पूरे संस्कृत संसार के मार्गदर्शक पद्मश्री चमकृष्ण शास्त्री जी, जो अभी अध्यक्ष है भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय के माननीय संयुक्त शासन सचिव श्रीमती नीता प्रसाद जी, उत्कल विश्वविद्यालय के महामान्य कुलपति प्रोफेसर सविता आचार्य जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर के निर्देशक प्रोफेसर अतुल नंदा जी, माननीय स्वामी जी कृपा चैतन्य जी और भारत बाहर से आए हुए सभी सज्जन, पूर्व कुलपति, कुलपति वृंद, भावी कुलपति, आचार्य सज्जनों और माननीय देवियों, गणमाध्यम के प्रतिनिधि वृंद और यहाँ उपस्थित अतीव प्रियतम छात्र और छात्राओं। मित्रों, आज हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर का एक ऐतिहासिक स्मरणीय दिवस है। आपको मालूम है कि आज हमको अभी माननीय मंत्री जी ने जो शिलान्यास प्रकल्प का उद्घाटन किए हैं, ये प्रकल्प है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर का जो संप्रसारण प्रकल्प का शिलान्यास। इस प्रकल्प के माध्यम से हमको एक एक्स्ट्रा बॉयज हॉस्टल और एक एक्स्ट्रा लेडीज हॉस्टल, एक अतिथि गृह और एक भव्य अकादमिक बिल्डिंग और भी हमको कई बिल्डिंग मिल जाएगा। इसीलिए ये जो आर्थिक अनुदान 1 करोड़ का नहीं है,
दो करोड़ का नहीं है, दस करोड़ का नहीं है, बीस करोड़ का नहीं है, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, सौ करोड़ का आज आर्थिक अनुदान हमको मिला है। ये मंत्री जी की आप मेरे को अगर सवाल पूछेंगे तो ये कैसे हो पाया, ये क्या महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, ये क्या जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है? मैं तो विनम्रता के साथ कहूंगा कि इसका सब कुछ श्रेय भारतवर्ष के हमारे भाग्य विधाता माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ही जाता है। देखिए ये तो पहला कारण है, देखिए ये महालक्ष्मी जी का प्रसाद है, फिर भी इसके साथ ये प्रसाद को लाने वाले के लिए ये एक माध्यम का आवश्यक है, और ये आवश्यक ये जो आवश्यकता का पूरण हमारा मंत्री जी ने ही किया है, और ये जो आलोचना चक्र आज हम आयोजन कर रहे हैं विश्व स्तरीय पर एक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना चक्र का आयोजन कर रहे हैं, इसका शीर्षक है, जो शीर्षक मंत्री जी ने खुद दिया, क्योंकि उनका जो जीवन दर्शन है ये जीवन दर्शन इस शीर्षक के ऊपर ही निर्भर करता है, इस शीर्षक के ऊपर ही आधारित है, समानता, स्त्री सशक्तिकरणता और स्वतंत्रता। ये जो तीन शब्द है ये भारतीय संस्कृति का ये मूल मंत्र है, वयम सर्वे समानः संगच्छध्वं संपदध्वं संभो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। स्त्री सशक्तिकरणता, अगर नारी का मर्यादा का संरक्षण नहीं होगा तो ये भारतवर्ष की या विश्व की प्रगति नहीं हो पाएगा, ये नारी का सशक्तिकरण का जरूरत है। अतुलम जत्र च तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्तम तदभुत नारी व्याप्य लोकत्रयम तिशाई, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। और स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता चाहिए और नारियों के लिए ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, ये मंत्री जी का जो जीवन दर्शन है, जो उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन के आधार पर ये शीर्षक के ऊपर हम जो अंतर्जातीय एक आलोचना चक्र का आयोजन कर रहे हैं, और इसमें हमको 100 करोड़ मिला गया है। इसका मैं अन्यतम कारण बताऊंगा कि जब हमारे माननीय कुलपति जी ने मंत्री जी से आज्ञा माल लेकर यह तय कर लिया कि लक्ष्मी पुराण के ऊपर लक्ष्मी वंदना पुरस्सरम एक अंतर्जातीय आलोचना चक्र का आयोजन किया जाए, उसके उपरांत ही लक्ष्मी के प्रसन्नता से लक्ष्मी पुराण के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय आलोचना चक्र के आयोजन के उपरांत ये 100 करोड़ हमको मिला है। और जो लक्ष्मी की उपासना करेगी, जो लक्ष्मी का वंदना करेगा, ये जरूर उनको धन संपत्ति प्राप्ति होती है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये साक्षात भक्त कवि बलराम दास लक्ष्मी पुराण का जो अंतिम अध्याय में कहते हैं कि लक्ष्मी पुराण पाठे न सर्व सिद्धिरस्ति सूर्योदय तम सम पाप क्षयम जाति धन संपत्ति सौभाग्य सौंदर्यादि सर्वम अवाप्यते महालक्ष्म्या कृपया गौरवम। लक्ष्मी पुराण के ऊपर हम आलोचना चक्र करने से ये जो लाभ हमको मिला है, तो मैं कहूंगा कि ये एक सामान्य आज का दिन एक सामान्य दिन नहीं है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत श्री सदाशिव परिसर का इतिहास में आज से एक सुवर्ण अध्याय का शुरुआत हुआ, इसलिए हम सब आज मंत्री के पास हमारी कृतज्ञता निवेदन कर रहे हैं। और किं देयम् अस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीरवामनयनाभृतमानसाय दत्तम मनो जदुपते कृपया गृहाण। जगन्नाथ जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर जितने वयोवृद्ध आदमी उपस्थित हैं, विद्वान उपस्थित हैं, हे मंत्रीवर सभी का आशीर्वाद से, आप सभी का आशीर्वाद और आयुष से आप आयुष्मान हो जाइए, और सभी का आशीर्वाद से आप गरियान बरियान बन जाइए। उड़ीसा की जो संस्कृति है, भारत का जो
ऐतिह्य है उसको विश्व स्तर पर प्रतिपादन करने के लिए आपने जो प्रचेष्टा का शुरुआत किया है, ये शुरुआत सर्व सफल हो जाए, ये भगवान के जगन्नाथ के पास हमारा निवेदन है। सुहृदों, आज तो आपको मालूम है अभी मंत्री जी ने ये लक्ष्मी पुराण का एक संस्कृत अनुवाद का ग्रंथ का विमोचन किया, लोकार्पण किया। तो लक्ष्मी पुराण का जब संस्कृत का अनुवाद करने के लिए मेरे मन में ये सवाल आया, आप भी ये मेरे को भी पूछ सकते हैं कहां से आपको ये प्रेरणा मिली। आप भी कह सकते हैं महालक्ष्मी जी से प्रेरणा मिली या जगन्नाथ से प्रेरणा मिली। नहीं, ये मेरे को जो प्रेरणा मिली है, ये प्रेरणा सिर्फ मंत्री जी से ही मेरे को प्रेरणा मिली है। कुछ दिनों से पहले एक दिल्ली में मंत्री जी का तत्वावधान से हमारे प्रतिभा राय का यज्ञसेनी का जो उपन्यास है, उपन्यास का संस्कृत अनुवाद का ये विमोचन कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास है, मेरा ये स्वप्न है, उड़ीसा में लिखा गया है जो सारस्वत समृद्ध साहित्य को विश्व स्तर पर अनुवाद के माध्यम से पहुंचाना, ये मेरा स्वप्न है, ये मेरा संकल्प है। ये मंत्री जी का संकल्प था। तो इस संकल्प से मेरे को प्रेरणा मिल गई। जब बरखेड़ी जी ने मेरे को अनुरोध किया कि सार हो रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना चक्र, मैंने सोचा मंत्री जी का ये जो प्रेरणा मेरे मन में अनुरणित होने लगी, और मैंने सोचा कि लक्ष्मी पुराण का मैं संस्कृत में अनुवाद कर दूंगा ताकि ये ओडिया संस्कृति और ओडिया का जो परंपरा है, जगन्नाथ संस्कृति, नारी सशक्तिकरण की जो वार्ता आज केवल जातीय स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर भी पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं मंत्री जी का पुनः पुनः आभार प्रकट कर रहा हूं। मित्रों, मैं और चार पांच मिनट, दो मिनट में मेरा जो उपस्थापन को खत्म करूंगा, क्योंकि हम सब उत्सुक है मंत्री जी को सुनने के लिए। आज लक्ष्मी पुराण के बारे में, इसका जो कथा वस्तु के बारे में, मैं दो शब्द आपके पास बताऊंगा। और ये दो शब्द जब मैं बताता हूं, जब हमारा भारतवर्ष में अभी एक माननीय प्रधानमंत्री का जितने आह्वान है, ये आह्वान से सर्वोत्तम आह्वान है कि नारी शक्ति बंधन। अभी आप देखिए, जब नारी शक्ति बंधन के बारे में पार्लियामेंट में आलोचना हुई, तब पूरे भारतवर्ष, विश्व का समर्थन हमारा प्रधानमंत्री जी को मिल गया। नारी शक्ति बंधन, नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छम भारतम, ये जो वार्ता, अभी जो स्लोगान हमारा भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं तो विनम्रता के साथ बोलूंगा कि इस स्लोगान का, इस नाराओं का जो बीज है, ये बीज है लक्ष्मी पुराण, बलराम दास का विरचित लक्ष्मी पुराण में। तो मित्रों, अभी कथा वस्तु के बारे में जब मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, तब एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में संकेत देना चाहता हूं कि किसी स्थिति में ये लक्ष्मी पुराण की रचना हुई है। आपको मालूम है त्रयोदश शतक से लेकर सप्तदश अष्टादश शतक तक भारत का जो सांस्कृतिक ऐक्य, सामाजिक ऐक्य, धार्मिक ऐक्य और नैतिक ऐक्य को ये करने के लिए, तोड़ने के लिए वैदेशिकों का आक्रमण चल रहा था, जवनों का आक्रमण चल रहा था। और इसीलिए इसका एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और इसको भारतवर्ष को ऐक्य सूत्र में संगत करने के लिए, एकत्रित करने के लिए भारतवर्ष के चार प्रांतों में संत कवियों का आविर्भाव हुआ। आप देखिए, नरसिंह मेहता संत कबीर और कर्नाटक में दास साहित्य का आविर्भाव, और इसी क्रम में हमारा ओडिशा में जो पंचसखा युग का आविर्भाव हुआ, जिस पंचसखा युग के सर्वश्रेष्ठ और वयोज्येष्ठ संत कवि है, भक्त कवि है बलराम दास, जिसका दन हमारा सौभाग्य है ये पुरी में हुआ है, और पुरी के पास एक जगह पर उनकी समाधि है, जैसे सातलहड़ी मठ में हमारा जगन्नाथ दास का ही समाधि है। तो बलराम दास
हर मकान जब स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, परिष्कार परिच्छन्न हो जाएगा, तब हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो आह्वान है ये हर एंटायर कंट्री विल बी स्वच्छ भारत। तो बलराम दास कहते हैं उत्तम रूपेण गृह द्वार मलेपयत् पुतोदकं प्रांगणे सा किंचिदपातयत्। यह चंडालिनी जिसका नाम है श्रिया चंडालिनी, श्रिया चंडालिनी के मकान के सामने ऐसे ही दृश्य महालक्ष्मी देख रही है। ये महालक्ष्मी जब नगर परिभ्रमण कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूँ, हो गए, ये आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूँ कि ये एक वृद्ध ब्राह्मणी वेश धारण करके जाती है और ये देखते हैं क्या है ना, पद्म पुष्पम दृष्ट्वा तस्य आग्रह वर्धित पादद्वयं पद्मे दत्त्वा माता उद्भासित। ये चंडालिन घर में प्रवेश कर दिया और चंडालिन को आशीर्वाद दिया, बहुत ऐश्वर्य संपत्ति को उनको दिया और ये कथा पता, ये पता चल गया बलराम को और जगन्नाथ को। और जगन्नाथ ने सोचा, बलराम ने सोचा कि हमारी धर्म पत्नी आज अस्पृश्य हो गई क्योंकि चंडालिनी का सानिध्य से। तो जब आ गए श्री मंदिर, शाम को वापस आ गई, तब निष्कासन कर दिया, नहीं आप मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद महालक्ष्मी ने अभिशाप दे दिया कि द्वादश वर्षाणि जावत् भवन्तं भवतां भ्रातरं अन्नं न मिलिष्यति लक्ष्मीं विना भवन्तः जीवितुं न शक्नुवन्ति। अभिशापं दत्त्वा विश्वकर्मा को स्मरण करके फिर चंडाल ग्राम में एक प्रासाद में रहती थी। उसके बाद 12 वर्षों तक जगन्नाथ बलभद्र बलराम वो भिक्षावृत्ति करते थे, फिर भी वो उदारवृत्ति नहीं हो पाई और अंत तो गत्वा उसी चंडालुनी के घर पे ये चंडाल ग्राम का प्रसाद प्रसाद में पहुंच के जब अन्न उनको मिला है तब अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ये हमारे महालक्ष्मी धर्म पत्नी का रंधन है। तब धर्म पत्नी बहुत स्मित हास्य से बोल रहे थे कि आप जिस चंडालुनी को निंदा कर रही थी, मैं तो चंडालुनी आज ही हूँ, इसीलिए आप मेरे को निष्कासित कर दिए थे, आज चंडालुनी के हाथ से अपने अन्न मिला, आपको अन्न मिला ना नहीं मिला, ना मिला तो बलराम तत्क्षणात कहते हैं अभी साष्टांग प्रणाम कर दीजिए लक्ष्मी का चरणारविंद पर, अभी जो दोष हमने किया है लक्ष्मी को हतादर करने से, लक्ष्मी को श्री मंदिर से निकालने से जो दोष हमने किया है, ये दोष को क्षमा करने के लिए आप प्रार्थना करिए महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का वरद हस्त से फिर ये दो भाई प्रसन्न होकर महालक्ष्मी को लाकर श्री मंदिर आ गए। तब से आप देखिए पुरी का यह संस्कृति रही है, ये मंदिर का नाम मंदिर नहीं है, श्री मंदिर अर्थात लक्ष्मी का मंदिर। ये महाप्रसाद का नाम महाप्रसाद नहीं है, ये श्री महाप्रसाद। और ये जो है जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ नहीं है, ये श्री जगन्नाथ। श्री को अगर हम छोड़ देंगे तो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। तो एक जातिहीन समाज, एक श्रेणी विहीन समाज और एक नारी सशक्तिकरण का एक समाज गठन करने के लिए और स्वच्छ भारत की वार्ता देने के लिए और नारी शक्ति का वंदन करने के लिए आज जो बलराम दास ने जो लक्ष्मी पुराण की रचना की है, इसके ऊपर जो 3 दिन तक जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना चक्र होगी माननीय मंत्री जी के तत्वावधान से, फिर मैं एक बार माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ और ये इस परिसर के ओर से, पूरी वासियों के ओर से, उड़ीसा वासियों के ओर से हम बार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। आपका इसी यात्रा चालू रहे कि उड़ीसा की जो संस्कृति है, जगन्नाथ की संस्कृति, आप विश्व स्तर पर पहुंचाइए, हम सब आपके पीछे हैं। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, नमस्कार। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।